कुमकुम भाग्य। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं होना तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। जिस सूरत से मैं प्यार करता हूँ ना, इससे पहले कि मैं उस सूरत से नफरत करना शुरू कर दूँ। खबरदार, जो उन बच्चों को हाथ भी लगाया तो समझी, वो बच्चे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की वजह से सबके सामने चुप थी, तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें अगर कुछ भी हुआ ना, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मान लिया कि नाटक कर रहे थे, कोई चाल ढाल बदल सकता है पर आंखों की सच्चाई तो नहीं बदल सकती है ना। जीजू, उन्होंने आपको कोई सबूत इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको लगता है कि आपका प्यार काफी है सबूत के लिए। जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं वो काफी है कि आपको उनका प्यार फील नहीं होता। आपको नहीं लगता कि वही आपकी प्रज्ञा है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं है? क्या क्या हुआ है, कैसे हो गया ये सब कुछ? बहन हूं मैं उनकी, लेकिन आप में से कोई मुझे कुछ नहीं बताता। गलत करते हैं आप लोग के, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा। मौत के मुंह से तो लौट आई है लड़की, लेकिन कितना दिन और जिंदा रहेगी ये पता नहीं। कोई आया इसके बारे में पूछने के लिए? नहीं डॉक्टर, इनके बारे में तो कोई भी पूछने नहीं आया। ना तो इनके पास कोई मोबाइल है, ना ही कोई पहचान पत्र जिससे हम इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन हाँ, अपर्णा अभी भी ये पता करने की कोशिश कर रही है। हाँ, मगर ये बहुत जरूरी है कि इसके घर वाले आए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं रख सकते इसको। क्या करूँ, किस तरह उस घर में उनके पास जाऊँ, क्या बहाना बनाऊँ? अगर किसी भी तरह मुन्नी मिल जाए तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर कोई आता है तो मुझे बता देना। ओके ओके डॉक्टर। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं उठा लूंगी। अगर मुन्नी साथ होती तो मैं उसे लेकर इनके सामने चली जाती और आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने आ जाती। सब कुछ पहले जैसा हो जाता। भगवान करे अब तक मुन्नी घर आ गई हो, हम दोनों मिलके आलिया और तनु का सारा ड्रामा ही खत्म कर देंगे। प्रज्ञा को रूम बिल्कुल साफ अच्छा लगता है, तो मुझे रूम हमेशा बिल्कुल साफ रखना है ताकि वो जब भी इस रूम में आए तो उसे ये रूम बिल्कुल साफ दिखे जैसे वो साफ रखती थी। गौरव, तू कब आया? बस तभी जब तू प्रज्ञा का सामान देख रहा था, मैं याद कर रहा था उनके ख्यालों में खोया हुआ था। रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास? रास्ते बहुत है मेरे भाई, लेकिन तूने खुद ही बंद कर रखी। क्या मतलब? देख, अभी मैंने तुझसे कल भी कहा था, ये सब तेरी गलत फहमी है। तूने उन आलिया और तनु की बातों में आकर प्रज्ञा जी को घर से निकाल दी। यार वो प्रज्ञा जी, देख पूरा, मैंने कल भी तुझसे कहा है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देख मेरी बात सुन, मैं तेरा दोस्त हूँ, भाई हूँ तेरा, और तू खुद ही कहता है ना कि अगर मेरे दिल में कोई बात हो तो मैं तुझसे शेयर करूं, और जब मैं तुझसे शेयर कर रहा हूं तो तू सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर यार, वो लड़की प्रज्ञा दी है और कोई नहीं। हाँ, आज कितने दिनों के बाद इतना रिलैक्स होकर बैठी हूं। वो मुन्नी तो मेरा सरदर्द ही बन गई थी, अपनी जगह पक्की कर रही थी ना, निकाल दिया उसे घर से, और जाते जाते वो मेरी इस घर में जगह पक्की करके चली गई। हाउ स्वीट, फैमिली के सामने मेरी थोड़ी इमेज भी बन गई, नॉट बैड आलिया। वो आ गई वापस, वो आ गई सबसे बदला लेने के लिए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? ऐसे क्यों चला रही जैसे भूत को देख लिया? भूती तो देख रही हूँ, मेरा मतलब है भूत देख के आ रही हूँ, वो वापस आ गई है। पता है एक आ
आ गई है सबसे बदला लेने के लिए। अरे कौन आ गई? मुन्नी। मुन्नी रिटर्न हो गई। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबसे बदला लेगी। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में तुमने उसे घर से बाहर निकाला था, अब फिल्म के सेकंड पार्ट में वो तुमसे बदला लेने के लिए आई है। आप तो रहने ही दीजिए मिताली भाभी, आपकी किसी बात का मुझे कोई भरोसा नहीं। याद है ना, पहले भी आपने मुझे बेवकूफ बना दिया था हॉस्पिटल में वो खबर देकर। अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। ओके सिल्ली, गॉड जी की कसम मैं सच कह रही हूँ, अब जाकर तुम बेवकूफ बनोगी और वहां पर भी बनी। मत हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चली रियल ड्रामा देखने के लिए। अभी के आने से पहले ना मैं तो अपनी सीट पक्की कर लेती हूँ, नहीं तो उसकी डायलॉग बाजी खत्म होगी ना तो सारा मजा खिरखिरा हो जाएगा। तुम बैठी रहो यहाँ। भाभी तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, कहीं वो सच में तो नहीं आ गई? आपकी अपनी बीवी के साथ नहीं बन रही, ठीक है तो कोर्ट जाइए, वहां जाकर डिवोर्स लीजिए। ये बोल के कि ये मेरी पत्नी नहीं है, आप उनको घर से नहीं निकाल सकते। मेरी माँ, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी बीवी नहीं है। ये उसकी हम शक्ल है और ये बात मुझे कल रात को पता चली। अब आप लोग ही बताइए, आप किसी भैरूपिया को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर पर रखेंगे क्या? हम शक्ल? हाँ। भैरूपिया? डुप्लीकेट? हाँ। बीवी? हाँ। पार्ट टू? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। बीवी पार्ट टू नहीं, एक बीवी एक बहुत है। हम शक्ल, ये हम शक्ल है और इसी बात का फायदा उठाकर ये घर पर मेरी बीवी बनकर आ गई। अब मैं क्या करूं इसमें? मेरी बहन ने कल मुझे बताया कि ये जो है ये भैरूपिया है, बूंदी, सबूत के साथ। अब ये सब जानने के बाद कोई इंसान क्या करे? आराम से हाथ जोड़कर घर से जाने के लिए कहेगा ना, तो मैंने भी वही किया, क्या गलत किया? He is right. जो ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं उन्हें घर पे नहीं रखा जाता, उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है और इसके साथ भी हमने वही किया। इनफैक्ट इसे घर से बाहर भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी फीमेल्स को तो सोसाइटी से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। एक नंबर की फ्रॉड है, चीट है। ये कोई प्रज्ञा नहीं है, मुन्नी है। मुन्नी जो एक सड़क छाप औरत है। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं या नहीं ये तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन पति हैं ये साबित कर सकती हूँ और अपने सुहाग के लिए और अपने हक के लिए मैं ये करके रहूंगी। सुपर चैन, अभी जाके वो प्रूफ लेके आ जाइए। आ रही हूँ मैं। आप अब प्रेम को ले जा सकते हैं। लो, हो गए 24 घंटे खत्म। मेरे पास है ना मेरी शक की कोई वजह नहीं है दी, बस मुझे इस पृथ्वी को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है इस रिश्ते को लेकर, पता नहीं क्यों। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप शादी करने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं पूछ, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। तुम पूरी उम्र भी मांगोगी ना तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे एक इजाजत दे दो, नहीं बन सके। महक, याद करो महक, ये तुम ही हो। तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना
और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना। हट।